फ्टरनून एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एम जीएम एंड एच एम एम की अगर मैं बात करूं तो एम क्या होता है जोमेट्रिक मीन और एचएम क्या होता है HM हार्मोनिक मीन आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है वो कि अगर ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन एन पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका एथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाएगा प्रोसेस टू फाइंड द रिथमेटिक मीन इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर ए एन डिवाइड बाई एन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा आईजी इक्वल टू वन से लेके एन सिग्मा ए आई डिवाइड बाई एन आई जी कोल टू वन पुट करूंगा तो ए वन फिर प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेके ए एन डिवाइड बाय एन डेट इज दरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का प्रोसेस होता है सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो पूरे की पावर वन बाय एन सपोज करो तीन नंबर से वन कॉमा टू कॉमा थ्री उनका मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो वो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री पूरे की पावर वन बाय थ्री चार नंबर है वन टू थ्री फोर उनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर पूरे की पावर वन बाय फोर दट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट नंबर्स हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका होता है एन डिवाइडेड बाय वन अपॉन एन प्लस एस अपॉइन एन अपॉन ए एन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन सिग्मा से से लेके लेके की जगह पुट करूंगा तो इसको किस तरह से लिखा था ये सिंबल होता है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन आई इज इक्वल टू वन डालूगा तो कितना हो जाएगा ये ए वन हो जाएगा फिर ए टू हो जाएगा फिर ए थ्री हो जाएगा पर पूरे की पावर कितना हो जाएगा वन बाय हो जाएगा तो जोमेट्रिक मीन अर्थम मीन और हार्मोनिक मीन निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एन एचएम एएम जीएम एचएम के बीच में रिलेशन क्या होता है तो ये रिलेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एम हमेशा जीएम से बड़ा होता है या बराबर होता है जीएम जो है वो हमेशा एचएम हम से बड़ा होता है या बराबर होता है सबसे छोटा होता है एचएम तो एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये आ,

एम का मतलब हो गया ए प्लस बी बाई टू एम इज ए प्लस बी बाई टू माइनस जीएम कितना हो गया अंडर रूट ए बी इसमें हम क्या करेंगे ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर एलसीएम ले, ले लेंगे टू है एलसीएम कितना टू रूट ए बी इट विल बी टू रूट ए बी डिवाइड बाई नीचे कितना टू के बराबर तो इट विल बिकम ये किसके बराबर हो जाएगा आप देख सकते हैं ये 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 हो जाएगा का का अब आप ध्यान से देखिए है पूरी होल uh, क्वांटिटी और होल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी और जीरो के बराबर भी आ सकती है जीरो के बराबर कब आएगी जब ए और बी बराबर हो जाएंगे जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो रूट बी माइनस रूट बी जीरो हो जाएगा तो इक्वलिटी भी होल्ड करेगी वरना हमेशा क्या आएगा जीरो से बड़ा आएगा तो जीएम कैलकुलेट किया था एंड इट इज टर्निंग टू जीरो रिमेंबर वन थिंग इक्वालिटी विल होल्ड वेन द नंबर्स आर इक्वल जिन नंबर पे आपने ए एम जीएम लगाया इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर क्या होंगे इक्वल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये बात कि इक्वालिटी इक्वेलिटी विल होल्ड इक्वैलिटी कब होल्ड करेगी इफ नंबर्स आर इक्वल इफ नंबर्स आर इक्वल तो यहां पे भी इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब नंबर इक्वल होंगे और यहां पे भी इक्वालिटी तब होल्ड करेगी नंबर जब इक्वल होंगे तो दिस इज ऑल अबाउट ए एम जीएम एंड एच एम क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सबसे पहली बात तो ये कि सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए ए एम निकालने का प्रोसेस क्या होता है सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाई एन जीएम होता है सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पूरेगी वन बाय एच एम इज एन डिवाइड बाई वन अपॉन ए वन प्लस ए टू से लेके वन अपॉन ए एन रिलेशन इज ए एम इज ऑल्वेज गर्दल टू जी एम इज देन इक्वल टू एच एम दो नंबर्स का एम ए प्लस बी बाई टू दो नंबर्स का जीएम ये और एचएम तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एएम जीएम से बड़ा होगा या बराबर होगा सिमिलरली जीएम जो है वो एचएम से बड़ा आ जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा आपको क्या बात ध्यान रखनी है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इक्वालिटी होल्ड कराएंगे तो ये चेक कर लें कि नंबर्स इक्वल है या नहीं है ठीक है लेट्स डू सम क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डू सम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहला सवाल क्या इफ एक्स कॉम वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर प्लस एंड थ्री एक्स क्यूब प्लस का फोर वाई क्यूब प्लस का फाइव जेड क्यूब डेड इज इक्वल टू थर्टी एंड थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू फिफ्टी हमें क्या निकालना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का वैल्यू क्या है अब ध्यान से देखिए सारे के सारे नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव है थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर वाई क्यूब प्लस फाइव जेड क्यूब बराबर थर्टी है तो हम क्या करेंगे ए एम जीएम लगाएंगे सबसे पहले हम तीन नंबर्स ले लेते ले हैं पहला नंबर हमारा ये होगा दूसरा नंबर ये होगा और तीसरा नंबर ये होगा तो ये आ जाएगा ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा रहे हैं किन नंबर्स में इन तीनों नंबर्स में तो ए एम कैसे लगाएंगे पहला आएगा थ्री एक्स क्यूब फिर आएगा फोर वाई क्यूब फिर आएगा फाइव जेड क्यूब डिवाइड बाय थ्री सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय थ्री क्योंकि टोटल नंबर कितने हमारे पास थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब इन टू में फोर वाई क्यूब इन टू में फाइव जेड क्यूब पूरे की पॉल कितना वैल्यू तो अगर हम बात करें थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर वाई क्यूब प्लस फाइव जेड क्यूब का इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है थर्टी के बराबर दिया हुआ है एक काम करते हैं ये हो गया थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री तो थर्टी डिवाइड बाई थ्री हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो गया थ्री आप देखिए थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू फिफ्टी दिया हुआ है थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू फिफ्टी दिया हुआ है इसका मतलब हम थ्री ना लिख के एक काम करते हैं पहले एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब और ये हो जाएगा फाइव टू में ट्वेंटी आ गया पूरे की पावर वन बाय थ्री हमें यह पता है कि थ्री एक्स क्यूब वाइक्यूबेड क्यूब का वैल्यू किसके बराबर है तो थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का वैल्यू फिफ्टी के बराबर है तो, तो यहां पे फिफ्टी पुट कर देते हैं तो फिफ्टी इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा डेट विल बी इंटू फिफ्टी इंटू ट्वेंटी पूरे की पावर वन बाय थ्री थाउजेंड थाउजेंड की पावर वन थ्री अगर ये थाउजेंड की पावर वन बाई थ्री हो जाएगा इसका मतलब टेन क्यूब की पावर वन बाई थ्री इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया टेन के ये टेन के के बराबर बराबर आ आ गया गया अपॉन भी किसके तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ए एम जो है वो जीएम के बराबर आ गया अगर ए एम और जीएम दोनों बराबर आ गए इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड कर गई और इक्वलिटी कब होल्ड करती है इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब सारे नंबर्स बराबर हो जाते हैं सारे नंबर्स बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि थ्री एक्स क्यूब बराबर हो गया फोर वाई क्यूब के और वो बराबर हो गया फाइव जेड क्यूब के ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ए एम बराबर जीएम आ जाए तो एम जीएम तभी बराबर हो सकते जब सारे नंबर्स जिन पे आपने ए एम लगाया जीएम लगाया है वो बराबर होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है इसका मतलब थ्री एक्स क्यूब बराबर होगा फोर वाई क्यूब के एंड दैट इज इक्वल टू फाइव जेड क्यूब अब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए तो मैं पहले एक्स का वैल्यू निकालता हूं हम क्या करेंगे यहां पे देख सकते थ्री एक्स क्यूब लिखा हुआ है प्लस फोर वाई क्यूब की जगह भी आई एम सब्सिट्यूटिंग थ्री एक्स क्यूब और फाइव जेड क्यूब की जगह भी आई एम सबसे थ्री एक्स क्यूब डेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इट विल बी नाइन एक्स क्यूब डेट इज इक्वल टू थर्टी यू कैन सी एक्स क्यूब विल बी थर्टी बाई नाइन एंड बी वॉट टेन बाई थ्री तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा टेन बाई थ्री की पावर वन बाई थ्री इट विल बी टेन बाई थ्री की पावर वन बाई थ्री तो ये x का वैल्यू आ गया ऐसे आप y का वैल्यू निकाल थ्री एक्स क्यूब की जगह फोर वाई क्यूब फोर वाई क्यूब एज इट इज फाइव जेड क्यूब की जगह फोर वाई क्यूब वहां से वाई का वैल्यू आ जाएगा सिमिलरली जेड का वैल्यू आ जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि सवाल ए एम HM का है तो सबसे पहला जो हिंट होगा सवाल के अंदर द लाइन ऑफ थिंकिंग के सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे सबसे पहली बात दूसरी बात नंबर का सम या नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम सवाल के अंदर इंक्लूड होगा अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो ए एम जीएमएचएम का सवाल है सबसे पहला हिंट तो आपका नंबर्स पॉजिटिव होंगे ये बात ध्यान रखिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन सॉल्व टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर की होल पावर फाइव दट इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इन टू मै एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर सी एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सबसे पहली बात तो ये देखिए कि सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं सॉल्व लिखा हुआ है तो सॉल्व लिखा हुआ है इसका मतलब हमें किस किस का वैल्यू चाहिए हमें X1 का, X2 का, X3 का, और X4 का, चारों का वैल्यू चाहिए अब आप देख सकते हैं कि ए एमजीएम का ही सवाल होगा तभी वो सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता फोर वेरिएबल्स यू हैव टू द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको ध्यान से देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर पूरे की पावर कितना हो गया फाइव पूरे की होल पावर हो गया फाइव डैट इज इक्वल टू मैं सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी को क्या लिख सकता हूं आई कैन राइट इट लाइक दिस फाइव की पावर फाइव इंटू में टू इन टू में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर आप लिख के देख लीजिएगा फाइव की पावर फोर कितना होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव और एक फाइव को निकाल लीजिए फाइव टूटी टेन कितना हो जाएगा? 6, तो ऐसे लिख दिया फाइव की पावर फाइव इंटू टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर वट आई एम गोइंग टू डू ये फाइव की पावर फाइव को एल एच एस के डिनिटर में लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा आपके सामने टू प्लस एक्स वन प्लस का एक्स टू प्लस का एक्स थ्री प्लस का एक्स फोर डिवाइडेड बाई फाइव और पूरे की होल पावर किसके बराबर है फाइव के इसकी पावर भी फाइव थी इसकी पावर भी फाइव थी डीमर में ले गए तो होल पावर फाइव हो गया एंड दैट इज इक्वल टू टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर ये बराबर आ गए. अब एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर मैं यहां पर दोनों तरफ वन बाई फाइव पावर लेता हूं आई एम टेकिंग वन बाई फाइव पावर बोथ साइड तो इट विल बिकम टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाय फाइव इज

तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं पांचों नंबर में ए एम लगाऊंगा तो वो हो जाएगा टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स फोर डिवाइड रिटर्न हेयर दट इज रिटर्न हेयर एंड टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर पूरे की बार वन बाई फाइव दैट इज जी एम हेयर यू कैन सी कि इन पांचों नंबर में ए एम और जीएम क्या रहा है बराबर और ए एम और जीएम बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए एम जीएम बराबर आ रहे हैं ये क्वेश्चन क्या थी एम जीएम बराबर गए, हमने केवल फ्रेम किया इस इक्वेशन को ए एम बराबर जीएम आ गया बी इक्वल टू एक्स वन डैटल तो योर आंसर इज एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर एक्स थ्री बराबर एक्स फोर सबका वैल्यू किसके बराबर आएगा टू के बराबर है ना देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है इक्वेशन एक ही है और चार चार वेरिएबल का वैल्यू निकालना था बट देर वॉज अ हिंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर सारे के सारे आर प्लस थे आर प्लस का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स थे मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूंगा इक्वलिटी होल्ड होते ही सारे नंबर्स बराबर हो जाएंगे इस बात को सभी लोग याद रखेंगे ठीक है नोटेड डाउन नोट कीजिए आप लोग

तो सबसे छोटी रेडियस जो है वो थ्री है उसके बाद जो रेडियस है वो आर वन आर टू आर थ्री है इसका मतलब ये हुआ कि चारों के चारों सर्कल की अगर मैं बात करूं तो दीज आर वन इज इन सर्कल एंड थ्री आर एक्स सर्कल एक तो आपका इन सर्कल होगा और तीन जो होगे वो एक्स सर्कल होंगे और उनके बीच में एक रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन होता है वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन आर टू प्लस वन आर थ्री वैसे तो रिलेशन वन अपॉन आर बराबर 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 होता है आर वन इज फर्स्ट एक्स सर्कल सेकंड एक्स सर्कल थर्ड एक्स सर्कल और यहां पे आता है दैट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल जो कि हमें थ्री दिया हुआ है क्योंकि सबसे छोटा सर्कल वही होता है तो वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री ये रिलेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब देखिए आर वन आर टू आर थ्री इसके रूट्स हैं तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दू यहां पे प्लस का साइन लगा दूं और यहां पे माइनस का साइन लगा दूं तो मैं एक एक करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना चालू करता हूं सबसे पहले हम निकालेंगे आर वन प्लस यहां से किसके बराबर आ जाएगा एम के बराबर फिर आ जाएगा आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस का आर थ्री आर वन ये किसके बराबर आ जाएगा प्लस प्लस इज प्लस दैट इज इक्वल टू टू फोर्टी थ्री नेक्स्ट विल बी आर वन इंटू आर टू इन आर थ्री वो आ जाएगा माइनस माइनस इज प्लस दैट इज इक्वल टू एन

उट टू बी नाइन हार्मोनिक मीन जो है आर वन आर टू आर थ्री का वो नाइन के बराबर आ गया अब आप देखिए मल्टीप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है तो मैं जीएम भी निकाल के देखता हूं अगर मैं जीएम कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री पूरे की पावर कितना हो जाएगा वन बाई थ्री अब देखिए आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री वो किसके बराबर है एन के बराबर है तो ये हो जाएगा एन की पावर वन बाई थ्री यानी मुझे एन चाहिए एन कैसे निकलेगा यहां पे देखिए मैं इसका एल्सियम लूंगा तो एल्सियम लेने पर क्या बनेगा इट विल बी वन बाई थ्री दैट इज इक्वल टू टेक एल्सियम इट विल बी आर वन आर टू प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर वन आर थ्री आर वन आर थ्री हो गया आर वन आर टू हो गया आर टू आर थ्री सॉरी इट विल बी आर टू आर थ्री जाएगा आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री दिस इज वन बाई थ्री आर वन आर टू प्लस टू फोर्टी थ्री एंड टू थ्री की पावर फाइव टू फोर्टी थ्री किसके बराबर होता है थ्री की पावर फाइव के डिवाइडेड बाय आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री यहां से आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री की पावर सिक्स ये थ्री की पावर सिक्स आ, आ जाएगा और आप देख सकते आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री किसके बराबर एन के एंड N. तो एन का वैल्यू आ गया हमारे पास थ्री की पावर सिक्स तो यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा की की पावर 6 की पावर नोटिस कीजिए वैल्यू बराबर आ गया एच HM एम और जीएम का वैल्यू बराबर आ गया एच एम इज टर्निंग आउट टू बी नाइन एंड जीएम सेम एज एच एम तो इसका मतलब ये हुआ कि एच एम आर जीएम बराबर आगे इसका मतलब जिन क्वांटिटीज पे आपने एच एम और जीएम लगाया था वो सारी क्वांटिटीज बराबर होगी और वो क्वांटिटीज कौन है आर वन आर टू आर थ्री इसका मतलब ये हुआ कि आर वन बराबर हो जाएगा आर टू बराबर हो जाएगा और आर थ्री बराबर तीनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब तीनों क्वांटिटीज बराबर आ गई इस रिलेशन को आप देखिए यह था वन अपॉन थ्री डेट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस का वन अपॉन आर थ्री सबकी जगह वन अपॉन आर वन डाल दूं तो वन बाई थ्री टू वन अपन आर वन ये भी तो है तो ये हो जाएगा का वैल्यू नाइन के बराबर आ गया तो आर वन अगर नाइन के बराबर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री तीनों बराबर होंगे और तीनों किसके बराबर आ जाएंगे के क्या क्या कर लिया हमने आर वन आर टू आर थ्री का वैल्यू निकाल लिया कैसे पता लगा पहली बात तो आर वन आर टू आर थ्री हमारी रेडियस है रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती दूसरी बात

बात के का वैल्यू भी पता लग गया एन का वैल्यू थ्री की पावर सिक्स के बराबर था एम पता लग जाएगा क्या? से आएगा, आ आ जाएगा आ जाएगा? यानी है, तो बराबर कितना ट्वेंटी वैल्यू किसका चाहिए इसका एम प्लस एन अपॉन सेवन इंटू नाइन प्लस एम प्लस एन अच्छा, का मतलब क्या हो गया एम तो आपका हो गया ट्वेंटी सेवन प्लस एन हो गया आपका थ्री की पावर सिक्स थ्री पावर सिक्स कितना हो जाएगा लिख देते हैं थ्री की पावर सिक्स फिलहाल के लिए और यहां पे आ जाएगा सेवन इन टू नाइन प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नाइन ये भी नाइन ये भी नाइन ये भी नाइन तो इट विल बिकम थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स के बराबर हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री की पावर फोर एटी वन होता है टू फोर्टी थ्री सेवन ट्वेंटी नाइन ये आ जाएगा सेवन ट्वेंटी नाइन के बराबर डिवाइड बाई सेवन इंटू थर्टी सिक्स

फॉर्टी टू और हम देख सकते हैं ये कितनी बार कैंसिल हो गया थ्री टाइम्स फोर्टी टू इंटू थ्री विल बी वन ट्वेंटी सिक्स तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया यानी इस सवाल का आंसर आ गया थ्री के बराबर दिस क्वेश्चन वॉज आई आई टी एडवांस तो आप देख सकते हैं किस तरह से चीजों को घुमा फिरा के हमसे पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया रिलेशन बिटवीन ए एम जीएम एंड एच एम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एडवांस फॉर मेन्स फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बस ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कैसे पता लगेगा ए एम जी एम एचएम लगाना है तब तो पता लगेगा जब नंबर पॉजिटिव होंगे दूसरी बात रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लीकेशन एडिशन उन नंबर के इंक्लूड होंगे तो अगर कोई भी दो क्वांटिटी ए एम एम HM, एच एम इन तीनों में से अगर कोई भी दो क्वांटिटी इक्वल आ गई इसका मतलब सारे नंबर बराबर हो जाएंगे और आपका सवाल बहुत ईजी बन जाएगा आपका सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच